अस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोंद के लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, हमने किसावा खोपरा लिया है, ये हमने किसावा खोपरा लिया है मोटा। ये मखाने लिए हैं 100 ग्राम, इतने आधा किलो तक, 250 ग्राम इतना खारक की कटी हुई, और ये काजू बादाम दोनों क्रश करे हुए हैं। ये हल्दी है, ये मुनक्के हैं, और 100 ग्राम अजवाइन, और ये घी गर्म हो रहा है। अब हम इसका खोपरा तलेंगे। इस तरह से हम सबको फ्राई कर लेंगे। इसको हम मंदी आंच पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छा और टेस्टी बने। और हम घी भी उसके साथ बढ़ाते जाएँ, थोड़े थोड़े घी में फ्राई करते हैं। ये हमारा खोपरा 2 मिनट तक पक चुका है। ये देखिए, ये पकने के बाद ऐसा दिखता है, बिल्कुल फ्राई फ्राई और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, ये ऐसा फ्राई हो चुका है। ये हमारा खोपरा तला चुका है, तो अब हमने उसी घी में मखाने डाल दिए। ये भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारे मखाने फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल रहे हैं। अब हमने उसी घी में मुनक्के डाल दिए हैं। मखाने 2 मिनट तक फ्राई हो चुके हैं। मुनक्के, ये हमारे मुनक्के फ्राई होने पर ऐसे हो जाते हैं, गोल गोल और फूले फूले, जैसे क्रेप्स, फ्लफी फ्लफी। अब हम इन्हें निकाल रहे हैं। हमने इसमें अजवाइन डाल दी है 100 ग्राम के लगभग, और इसमें हमने काजू बादाम क्रश करे हुए डाल दिए हैं। दोनों मिलाकर आधा किलो है ये, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमारी अजवाइन पहले से ही फ्राई हो गई थी, इसलिए वो ब्राउन ब्राउन दिख रही है। ये देखिए, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये हमने इसमें घी ऐड कर लिया है। हल्दी आधी डालूँ? हाँ, आधी डालो। ये 200 ग्राम का पैकेट है, हम इसमें आधी हल्दी डाल रहे हैं, यानी कि 100 ग्राम इसमें। 200 ग्राम ये देखिए, ये सब हम फ्राई कर लेंगे, और इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम इसमें घी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी और ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसमें ऐड कर दिया। पहले से ही गर्म करके रखा था, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जा रहे हैं। ये हम खोपरा मिला रहे हैं। ये हमने क्रश करा हुआ खोपरा और सब कुछ मिला लिया है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। हमने देसी गुड़ डाला है, क्योंकि देसी घी, देसी गुड़ ज्यादा फायदा करता है। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अब हम इसको मिक्सिंग करेंगे। अब हम इसको मिक्स ऐड करेंगे। ये हम थोड़ा गुड़ गर्म होने तक पकाएंगे, जिससे कि गुड़ का फ्लेवर सब में आ जाए और ड्राई फ्रूट्स में आ जाए। अब हम इसमें मखाने ऐड करेंगे।
ये हमारा गुड़ गर्म हो चुका है, अब हम इसको नीचे उतार रहे हैं और इसमें बाकी का सामान डालें। तो उसमें डालेंगे ना मसाले। हमने इसमें सब मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें धोली मूसली डाल रहे हैं। इसे हम आटे के छल्ले से छान रहे हैं। जो मोटी बची है उसको हम बाद में पीस कर ऐड कर लेंगे। अब हम इसको फिर से मिक्स सेट करेंगे। साफ कर रही थी इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कड़ोसे नहीं लगे, फ्लेवर पूरे में आ जाए, सब एक जैसा हो जाए इसलिए। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? भूरा चना ऐड करेंगे। क्या कर रहे हैं? अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये हमारा तैयार है खाने के लिए। आप इसको कभी भी कैसे भी ट्राई कर सकते हैं, दूध गर्म करके भी या दलिये में मिला कर भी या मोहनी में। वैसे ही बहुत एनर्जेटिक होता है और सर्दियों में खाने से बहुत फ़ायदा करता है, वीकनेस ख़त्म करता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको मगज का लड्डू भी बोलते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है, ये जाकर वाली औरतों को खिलाते हैं, ये सभी लोग खाते हैं। कमजोर लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी कमजोरी है इससे बहुत जल्दी ठीक होता है।